नमस्कार आमर विशेष उपस्थापन को आपनको स्वागत करछि मु दुर्गा आशीष। वर्तमान जहाँ जना पड़ुछि श्रावण रे सुखिला 12 जिला रे स्थिति संगीन हबा को जाउछि आसन्न मरुड़ी मरुड़ी आशंका करा जाउछि। किंतु प्रकृत रे ये वर्षार अभाव जोगु ए स्थिति ना जलसेचनर सुविधा जोगाई पारु नाहंती सरकार सेइति पई ये होउछि तार फल। राज्य सरकार जो प्रतिश्रुति देइछंती 2000 मसिया रे 2004 रे 2009 रे 2014 रे ए सबु पालन करी नाहंती जहा फल रे आजि पानी पाई पारुनी चासी जलसेचन सुविधा नाही सेइति पई आसन्न मरुडी। कारण जदि पंजाब रे वर्षा हो नाही सेठी कोन मरुडी होउछि, जदि हरियाणा रे वर्षा हेउ नाही सेठी कोन मरुडी होउछि, सेठी मरुडी होउ नाही एइति पई कारण जमि को पानी जीवा पाई सबु प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। जदि सेठी हे पारुछि ताले ओडिसा रे काहे कि हे पारला नाही, एते प्रतिश्रुति काहे कि चासी को प्रतारणा करा गला, ए सबुर प्रश्नर उत्तर जानिया पाई आज हमर ए वितर्क जो माने मो सहित शामिल हेबे तांग सहित आपन को परिचय करे दउछि। मो सहित अछंती सुक्त बसंत पडिहारी, से उचंती पूर्वतन जंत्री, ता सहित कंज्यूमर कोर्ट रे से जज सुक्त पडिहारी आपन स्वागत करुछि। ता सहित अछंती आम सहित सुक्त सूरत विश्वाल अछंती राज्य बीजेपी रो राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं तांक सहित चासी नेता सुक्त अशोक नाथ भी अछंती। सुक्त सूरत विश्वाल आपन को ठारु आरंभ करिया पई चाहिबी ए डिबेट जे प्रकृत रे ये वर्षार अभाव नुह, कारण ये प्रकृति आगे तो समस्ते नाचार केतेबेले वर्षा हबो केतेबेले वर्षा हबनी, किंतु राज्य सरकार विफल हेछंती जलसेचन सुविधा आनिया पई सेति पई ए मरुडी होउछि। कथा हूँ प्रकृति को आम तो दोष दे पारा ना, कि कथा ताकु सामना करने चाषी पाई जो भरोसा सृष्टि करवा दरकार। जदि सप्ताह दुई सप्ताह कि निर्धारित तो समय भितर वर्षा है कि जी वर्षा हवा कथा ताकि कम वर्षा है तार मुकबिला करने एत दिन पर भी आम जदि सर्वनिम्न व्यवस्था करना आज पारलाखेमुंडी ठारु बालेश्वर पर्यंत बलांगीर कलाहांडी ठू धरिकी पूरी पर्यंत सबु जगह से गोटे कथा जेतक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोली सरकार जहाँ घोषणा कर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट आम करतेक लिफ्ट पॉइंट करगजपत्र आम जी देखु कार्यक्रम अधिकांश कार्यक्षम नहीं प्रत्यक्ष भाव देखुच गोटे पूरी ब्रांच केनाल पूरा पोती ही जाए पानी आसुना पिपिली डेला कणास अंचल भी पानी पहुँच पार नहीं जोटा तलिया अंचल जोटी अति अल्प बना हो जाए बुढ़ी अंचल जहाँ कहा जाए से पानी पहुँची पारना एभली परिस्थिति रे आम दोष केवल कौन प्रकृति के दबा इंद्र देवता को दबा जे वर्षा हलानी मरुड़ी हो गला बिल फाटिगला चाषी मुंडे हाथ दे बस केत दिन पर आम करवा केते दिन पर चाषी भाव जे मोर जतक मु खर्च करनियोग पूरा वृथा जीव ना सामना करने मो पाखे व्यवस्था अच्छी तेणु गत दिन में राज्य सरकार जो जो कथा कही आम एति हेक्टर करदेलु से हेक्टर करदेलु 35 कलु मोट पर जी 90 भाग सत जमी जलसेचन हो जा किंतु देखा जाऊँगी सबू जिला बर्तन जो जो जगह वर्षा कम अच्छी सबुठ बिल फाटिकी आँ कला धान मुंडा लगे आरंभ कला जदि दुई तीन दिन भर वर्षा न हम तेल सब धान संपूर्ण प्रतारणा चाषी मान सीधा सड़क जीवा अशोक नाथ अच्छा चाषी नेता सिक्त नाथ आपण ग्राउंड रे रियलिटी कौन देखुचंती जहाँ प्रतिश्रुति दिया जाइथिला जलसेचन को लेकिन ता पालन करा जाए ना 2005-06 314 ब्लॉक को सर्वनिम्न 35% जलसेचन सुविधा दिया जीवो सेटा भी हो पारानी बलांगीर भलिया जिले रे तो 5% रु कम इरिगेशन ये तो विड़म्बना प्रकृत कारण प्रकृत रे जलसेचन समस्या आमे आमे हेकु जलसेचित अंचल रे छु 2000 साल रे जो जमी को जो बिल को पानी जाऊला आज 2020 रे एतकी केनाल काम जो सरकार करिसंती इरिगेशन पई तो पानी जाऊनी से पर्यंत से तली मुंड पर्यंत पानी जाऊनी आ से तरे जाबे एबे धान बिल माने सब फाटी आ कलानी तो एति पई दाई किए जलसेचन ने जहां सुविधा हबा कथा सेति पई हेनी निश्चय निश्चय बिल्कुल सरकार जो प्रतिश्रुति देथिले 2004 रे से 16 वर्ष हो गला आज पर्यंत चाषी तार मौलिक अधिकार जो पानी पानी हेले धान बंचिब पानी दे पारि नहंती से चाहे से केनाल हो अथवा लिफ्ट इरिगेशन आज इलेक्ट्रिक समस्या जोटी कोटी ट्रांसफॉर्मर पड़ी कोटी मोटर पड़ी
महानदी रे पानी अछि किंतु लिफ्ट इरिगेशन द्वारा पानी उठि परुनि। सरकार जो लिफ्ट इरिगेशन निगम तयारी करछन्ति से का पई ओके मु आसीबी सुक्त पढिहारी आपन पाखु आसीबी। प्रकृत रे रियलिटी कोन आपन ग्राउंड रे काम करिछन्ति राज्य सरकार जहां कहउछन्ति प्राय 69% जलसेचन सुविधा अछि ये केवल कागज कलम रे तथ्य ना वास्तवता याठु भिन्न सुक्त पढिहारी। प्रकृत कथा कहिबाकु होले मु मोर दीर्घ 30 वर्ष काल इंजीनियर डिपार्टमेंट रे चाकरी करछे इरिगेशन डिपार्टमेंट रे अछि पीडब्ल्यू रे RWSS डिपार्टमेंट रे कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को जहाँ अनुधान करी से कांग्रेस अमल आरंभ कर वर्तमान पर्यंत सब बेले सरकार लाभघर मनोवृत्ति बा पीसी मनोवृत्ति नहीं कार्य करागला जहाँ फल जो समय जो कार्य करवा कथा जी बजेट नहीं से बजेट ठीक समय है मु देखी जे अपर सोतकेला गोटे लोअर सोतकेला गोटे बलांगीर अच्छी जोटा कि दीर्घ 1994 मसीह होला किंतु वर्तमान सुधा 94+26 वर्ष 26 वर्ष रु तार 50% अर्थ डैमेज 75% स्पिल होइछि किंतु 26 वर्ष काहीकि नहला सेठे से मैंने चाहते मूल लक्ष्य मुझे थी बलांगीर भी थी मुझे जे कन्फ्लिक्टिंग ऑफ अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओके माने चलिए ये जनता बीजेडी सरकार करिब से पीसी नब कांग्रेस कह मो भाग्य ना तेणु कांग्रेस चाहिए मु पदपीक आसिले मो मंत्रित्व आसिले मुझे करी एवं सेने कौन लोक मान शिखा जे ना तुम यही प्रकार गंडल कर जमी कार्य हो पारे कि समूह स्वार्थ को संपूर्ण भाव में बड़ी दौरान तथ्य पूरा भूल तथ्य जहाँ दि जा पूरा तथ्य भूल मुझे जानी जे प्रकृत ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट दि सोशल इंटरेस्ट दि मास इंटरेस्ट इज किल्ड जोटा कि दीर्घ 26 वर्ष गोटे प्रोजेक्ट आज तैयारी लोअर सोतकेल तो राज्य जलसेचन स्थिति कौन पानी जलसेचन स्थिति मुझे गले सरकार मदर बना बोहपाई जी चेष्टा करुंकी लक्ष्य रखुंट बनापाई ये जलसेचन बना करने से प्रकार दृष्टि दि जाए ना आप देखु हरियाणा पंजाब आम कम वर्षा बट दैट इज 90% इरिगेटेड एरिया करेक्ट किंतु आम ओडिशा रे देखा गले सरकार जो लक्ष्य रखी थे 35% इरिगेशन हम दैट इज बिलो 35% इवेन 314 ब्लक रु 70-71 ब्लक रे दैट इज नो इरिगेशन दैट इज ड्राई इरिगेशन करेक्ट पर्टिकुलरली द वेस्टर्न इरिगेशन पर्टिकुलर मु कहू वेस्टर्न इरिगेशन जतटी 30-25 माइनर इरिगेशन मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट अच्छी दुई चार डिफक्ट नियरली 90% डिफक्ट स्टेज गोटे ये तो बड़ा सांघातिक कथा कारण से आपंट पूर्वतन जंत्री श्रीयुक्त बसंत पढ़िहारी एक कथा कहते से ग्राउंड रे काम कर अभिज्ञता अच्छी से कहते ये केवल कागज कलम प्रकृत सत कि अलग सुक्त सुरत विश्वाल आपण पाखु आसबी मो पाखे ये विधानसभा उत्तर अच्छी मंत्री उत्तर दौरान जे आम 314 ब्लक रु 246 ब्लक 246 ब्लक सर्वनिम्न 35% जलसेचन सुविधा करदे आम टोटाल 69% जलसेचन सुविधा हो जाए जलसेचन सुविधा हो जा ताले मरुड़ी आज्ञा कहीं होची मरुड़ी संभावना कहीं सृष्टि हो प्रश्नर उत्तर तो दबार आवश्यकता रही सरकार मंत्री एवं मुखपात्र कथा को जदि आप भरोसा करके आकलन करेंगे तेल सब संपूर्ण रूपे भूल बोले बाहर जो जो विषय जहाँ से कही से कालिया योजना कथा हो से शीतल भंडार कथा हो से कृषि ऋण कथा हो जो जो कथा से जेबे जेबे कही पूरा भूल तथ्य दौंट एवं जड़े पूर्वतन जंत्री संपृक्त विभागीय जंत्री से प्रत्यक्ष तांकर जो अनुभव कथा कहले लोयर सुक्तेल ठू आरंभ करी पुणी विधानसभा आउ एक प्रश्न उत्तर मुझे मन पक दौ
162 मीडियम माइनर मेजर प्रोजेक्ट जो दीर्घ दिन है 17 वर्ष है क्या 13 वर्ष है अटकी अच्छी सरकार केवे स्पष्ट करूना विधानसभा कहले एतिक दिन विलंब है तार व्यय अटक एतिक थर बढ़ीगला कहीं संपूर्ण होना ता उत्तर दौना मंत्री ता उत्तर दौना मुखपत्र खाली मिछरे कहते आम सब आगे किसी बाकी ना सबू दे सारे यो कथा मिछ क्या कहते सी केते बड़ एरिया रे आज जो जांत्रिक जुगरे डिजिटल इंडिया रे लोक को जानवा को समय लगुनी बास्तव स्थिति कौन ता बाद बीजेडी रा सरकार मंत्री एवं तक मुखपत्र किभली भाव डाहा मिछ लोक नहीं कहते यहाँ तो जल जल बर्तमान धान बिले जड़ा पड़ी जो 69% जलसेचन कथा कहते से मिछ धरा पड़ जाऊँगी कारण जदि एत जमि इरीगेशन सुविधा अच्छी ताहले पानी कहीं जापार नहीं केनाल कहीं सुखिला पड़ी ए तो कथा यही कथार उत्तर तो दबा दरकार एबे ए परिस्थिति रे जो कथा कहले हरियाणा पंजाब रे जदि वर्षा आमठू बहुत कम होकरी से स्थिति के सामना कर पार्टी आम गोटे निरंकुश सरकार 20 वर्ष 21 वर्ष आज शासन करुवा बेले किए ताक अटकैला कौन सी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने इरीगेशन फैसिलिटी सब जगार सब ब्लक पहुँचवापी जो लिफ्ट पॉइंट आगुरु थिला जो माइनर इरीगेशन पॉइंट आगुरु थिला सी भी अचल होकरी पड़ी केनाल पोती होकरी पड़ी जोटा ये करते आगुरु थिला ता उत्तर भी आपके पाखे ना सी भी अचल चाषी बिचारा मुंडे हाथ देखिए बच कर नियाती मुसबी श्रीयुक्त अशोक नाथ अच्छा अशोक आपड़ जहाँ रियालीटी देखुं प्रकृत में ये तो चाषी मान प्रतारणा जहाँ प्रतिश्रुति दि जाए पालन करा जाए ना एवं जलसेचन सुविधा खास करके वेस्टर्न ओडिशा रे स्थिति खराब हो विजयपुर भी जो कथा कहुला जो घोषणा कर गंगाधर मेहर जलसेचन प्रकल्प कथा से भी केत दूर आगे से तथ्य भी ना सब बड़ कथ ये तो धोखा सरकार मनोभाव हूँ किपरि प्रोडक्शन कम हो जहाँ कि किणवाई सुविधा बा कम धान आचय पत्र घोटाला हेबो आउ इरिगेशन जदि कम हेबो धान फसल कम हेबो किंतु कागज पत्र धान किणा हेबो सरकार चाषी मनोनीति आउ सरकारी बाबू को पोषा नीति आ बेपारी कला बजारी हेबो से इरिगेशन को चाषी को इरिगेशन पानी दि जाऊ ना पानी दि न गले चाष धान कम हेबो जाकि कागज पत्र धान बिकापी कला सुविधा है निहाती मुसबी शिक्षित पढ़ी आप आपना को जो प्रकृत में तथ्य कौन प्रकृत में जो जो मैंने चाषी अच्छा जो केनाल कथा कहतु जलसेचन कथा कहतु एत वर्ष धरिकी से सामना कर पार ना राज्य सरकार ये कौन दृढ़ दृष्टि अभाव ना आंतरिकतार अभाव मुझे पॉलिटिकल पार्टी सपक्ष विरुद्ध कह चाहे आज्ञा कांग्रेस अमल रे जेतिक डैम तैयारी हेतला बा कैनाल तैयारी हेतला ता परे बिजेडी गवर्नमेंट रे तार रेनोवेशन मेंटेनेंस करिबा पई से माने सक्षम होउनांती जहाँ फर कि जो प्रकार टंका जाउछ से टंका को पिछिया कर निया जाउछ बा फॉल्स बिल कर दिया जाउछ दैट इज रेनोवेशन एंड इनोवेशन प्रोसेस रे जोटा कि आमर कहा जाए एमआर एवं एसआर से टंका नहीं जाउछन्ति राजीव गांधी जहाँ कहते पब्लिक टंका जहाँ जाऊँगी से 85% बाटमारण हो 15% खर्च किंतु बीजेडी गवर्नमेंट रे मु जानिमि जे 100% मात्र 5% रु कम खर्च होदि आप पूर्वर पश्चिम उत्तर रु दक्षिण जलसेचन विभाग देखिए आप देखु पट्टामुंडाई केनाल तालदंडा केनाल माछगाँ केनाल पुरी केनाल से रेंगाली केनाल इट इज नॉट माने केनाल तैयारी बट इट इज इन डिफंक्ट स्टेज पानी से धर जाऊना रेंगाली केनाल रेंगाली डिविजन राइट केनाल लेफ्ट केनाल मु जानी मारे हलानी
ନିୟରଲି 20 ଇୟର୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, କେନାଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସାଭେଟେଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଯଦିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, ଆମର ଏମିତି ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ ଯାହା ବଜେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆସେ, ଏଜୁଟିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଏ ବା ଏସ୍ସିଚି ପିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଟଙ୍କା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତିନି ସେଟା ମୁଁ କାରଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲକିରି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଇରିଗେସନ୍ ନୀତି ଫେଲିଓର ହେଉଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେବ, ଏଇ ଟେଣ୍ଡରକୁ କାହା ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେବା ପାଇଁ 4-5 ଜଣ ଆସିବେ, ତେଣୁ କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉ ନଉ ଯେଉଁଟା ପାଗ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାର୍ଟି ନ ଆସିବେ ତେବେ ତାକୁ ଦିଆଯିବନି, ନଚେତ୍ ସେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେବ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅନେଇଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇକି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇରିଗେସନ୍ ବାବଦରେ 1000-1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ। ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି କେତେଥର ହେଲିଛି ନେଇକି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହେବ, ପିସି ହେବ, ସେଇ ହିସାବଟା କରୁ କରୁ ରାତି ପାଇଯାଏ। ମାନେ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ମାନେ ମିଲିଭଗତରେ ଚାଲେ, ମାନେ ସରକାର ବାବୁ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନେକ୍ସସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ନେକ୍ସସ୍ ଥିବା ହେତୁ କାମରେ ଆମର ଡେରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଟା 2000 କୋଟି 3000 କୋଟି ଯାଏ। ମୁଁ ଜଙ୍କ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ମୂଳ ଥିଲା 400 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେଟା 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା, 20 ବର୍ଷ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁତକେଲା ଲୋୟର ସୁତକେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଲୋୟର ସୁତକେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କେତେ ଏଇଥର 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଜେରୀକି ଫେରାଇଛି ଦିସ୍ ଇୟର। କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ତମର ଫେରା ହେବ? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ସରକାର ସେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, କଳସୀ ମୁଣ୍ଡେଇକି କଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବିଜେପି ସବୁ କରିଛି। କିରେ ତମେ ତ ଶାସନରେ ଅଛ, ବିଜେପି କେମିତି ଦାୟୀ ହବ? କଳସୀ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ତମର 200 କୋଟି 200-300 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିପାରିଲା, ତମେ କେତେଟା ଡ୍ୟାମ୍ କେତେ? ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ ଯିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଏଠିର ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପକେଟ୍ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତା। ଇଏ ତ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା। ଏଇଭଳି କଥା ଯେଉଁ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ମିଛ କହିଲା, ବିରୋଧ କଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କହିଲା, ଏଇ କଥା ସରକାରୀ ଦଳ ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋଉ କୋଉ କାରଣରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ କଥା କହିବି, ଇଏ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି, ଚାଷୀ କୂଳକୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଝିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି କୃଷି ବିଭାଗରେ ହେଉଛି। ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଧରିକିରି ଇରିଗେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସରକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଟ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥୋପ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ତମକୁ କାଳିଆ ଦେବୁ, ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତମ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ମାନେ ଆଉ କବର କିଛି ବାକି ରହୁନି, ଭୋଟ ବେଳେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପଇସା ଫେରି ଯାଉଛି,
जो पैसा आम भाग केन्द्र जो पैसा आसूची ये खर्च हाँपाई जो थे खर्च हेले आम मुकबिला करी मरुड़ी परिस्थित को आम चाषी को अगर समय फसल करने सहायता दे पारती से या दुर्भाग्यजनक घटना कौन हो पारे तो बड़ कथा मरुड़ी है न हो आम तो आशा करवा मरुड़ी न हो कि जदि हुए तेल पुणी नहीं अनुदान कथा कह क्षतिपूरण कथा कह कि भी गोटे आरोप प्रत्यारोप आरंभ हम कथा शुणतु आरोप प्रत्यारोप राजनीति जहाँ हूँ हूँ किंतु जो समय रे जहाँ हवा कथा चाषी पाई से कथा तो करी किए अधिक कला किए कम कला एक जानवर बाकी ना जेबे जेबे प्राकृतिक विपर्जय ओडिशा प्रति है केन्द्र सरकार मोदी सरकार अवहेला करने तो दूर कथा आडभांस पहुंचे ड्यू टाइम पहुंची एवं चौबीस घंटा नपुरुण सहायता राशि देते जत प्राकृतिक विपर्जय आज मरुड़ी परिस्थिति देखो मरुड़ी परिस्थिति घोषणा हवा अलग कथा एवं तो एक प्रकार मरुड़ी कराल चित्र देसला जमी फाटिकी पड़ा अनेक जगार गछ मैंने धान गछ जली गला अनेक जगार गोरु चोरी गले एभली परिस्थिति तो आसीगला राज्य सरकार विभिन्न समय स्थित आसी पारे कारण प्रकृति उपर कंट्रोल ना वर्षा हम न हम से कंट्रोल ना कि आम जदि से प्रस्तुत थिबा से दीर्घ मियादी योजना करने जलसेचन सुविधा करते राज्य सरकार जदि प्रतारणा दे न था चाषी मानक हुए तो स्थित आसी न था श्रीयुक्त अशोक नाथ आप शेष कमेंट नाबाई चाषी भी चाषी भितर असंतोष बढ़ी कारण जो भाई भाव प्रतारणा करा प्रतिश्रुति पालन कराऊना चाषी भितर असंतोष बढ़ुच निश्चय निश्चय सरकार आंतरिकता ना चाषी मान चाषी सपोर्ट करने आंतरिकता हेले चाषी चाष कम मन बोल आंतरिकता नहीं से सरकार जो नीति नियम दूरदृष्टि को मैंने तेने ना से चाषी आगामी दिन में चाषी सरकार आक्रोश है निहाति दूरदृष्टि ना सुक्त पढ़ी आप शेष कमेंट नापी चाहिए आपन को किसी सल्यूशन देखा जाए बिलकुल आशावादी ना मुझे आद आशावादी नुह मु स्पष्ट भाव कहीदी जो लोअर सुटकेल आज कोड़े बैश वर्ष चलला मु भावी कम्प्लीट हाँ आहरी कोड़े वर्ष जीव स्टिल इट मे नॉट बी कम्प्लीटेड आहरी गोटे कथा मुझे जे छत्तीसगढ़ जदि 100-200 डैम तैयारी करदेला तुम्हें केन्द्र सरकार टंका दौंस मोदी सरकार टंका दौंस पीएम केसई योजन भिन्न भिन्न टंका दौरान तुम्हें से टंका तो खर्च कर नपारी फेरई दौ कहीं फेरई दौ से रुह मत समय देवे कहीं फेरा होता कह तार अन्य गोटे कारण अच्छी सठिक कारण अच्छे मुझे 50% जल समुद्र को फोपड़ा होमें कहीं चेक डैम करूना जदि से चेक डैम करत तेज से गुटा हाँ ना यहीटा गोटे कथा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहीं दुर्नीति होर्नीतिग्रस्त आपइंटमेंट दि जाऊँ बोली ओके ओके टिके रुहत प्लीज लेट मी टेल गला थर 600 आसीस्टाट एक्जिक्यूटिव इंजीनियर आपइंटमेंट पाई जो थी कि अधिकांश सर्टिफिकेट ना सेटा मु कहूनी वर्तमान हाई कोर्ट रे केस पड़ी आउ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देछि दि अपॉइंटमेंट इज इलीगल 614 एटा आपण भलार माने रखंतु 600 असिस्टेंट एजुटर मान को दे जाय जे अपॉइंटमेंट दि अपॉइंटमेंट इज इरेगुलर दैट इज टोल बाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल Now it is high court. Okay. दुर्नीतिग्रस्त इंजीनियर मान को अपॉइंटमेंट दिजिव से टंका देखते तबे तबे निश्चय से कौन करेंगे टंका आदाय करेंगे ओके बहुत वैलिड पॉइंट कहले श्रीयुक्त अशोक श्रीयुक्त बसंत पड़िहारी जी थे आम सहित पूर्वतन जंत्री बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त बसंत पड़िहारी अशोक नाथ और श्रीयुक्त सुरत विश्वास सब बड़ कथा हो वर्तमान मुकाबिलार समय किंतु चाषी को जो धोखा दि जा प्रकृत में से नहीं सरकार गोटे ठोस पदक्षेप नियंतु और जलसेचन दिगरे किसी त्वरित कार्य करूँ यहीटा चाषी कूल और राज्यवासी कम से कम यही तो आशा करुँच आज डिबेट को ये रखुचु नमस्कार।